डीएसएलआर कैमरे में पिक्चर क्लिक होने के बाद में मिलियंस ऑफ पिक्सल में से हर पिक्सल से कैमरा डेटा लेकर 1 सेकंड से भी कम टाइम में प्रोसेस कर देता है। डीएसएलआर कैमरे का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इमेज सेंसर होता है, जो हमेशा अंधेरे में ही रहता है। जब पिक्चर क्लिक करते हैं तब अपनी आँखें खोलता है और तुरंत बंद भी कर लेता है। इसके पीछे की साइंस बहुत गजब की है। DSLR की फुल फॉर्म बिना गूगल पर सर्च किए आपको कमेंट में लिखना है, वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके हिसाब से बनाकर। कैमरे में पूरा कमाल लाइट का ही होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे यह ग्रीन बॉक्स हमें ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सनलाइट इस पर गिरती है तो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, और इन बहुत सारे कलर में से ग्रीन लाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर को इस बॉक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और ग्रीन कलर रह गया, तो इसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया और रिफ्लेक्ट की हुई रेज हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम ऑब्जेक्ट को देखकर बताते हैं कि यह ग्रीन कलर का बॉक्स रखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रेज कैमरे तक पहुंचती है। सबसे पहले लाइट एंटर होती है कैमरे के इस लेंस से। इस लेंस के अंदर भी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के सेट लगे रहते हैं, जो किसी भी इमेज को जूम इन एंड जूम आउट करने के काम आते हैं। इसी चीज को डिजिटल जूम भी बोलते हैं। इन लेंस के बीच में सेट रहता है अपर्चर, जो लाइट को आगे पास करता है। अपर्चर एक ओपनिंग होता है जिसको कम या ज्यादा करके कैमरे में जो लाइट एंटर हो रही है उसको कंट्रोल किया जाता है। अपर्चर को एप से डिनोट किया जाता है। जैसे जैसे अपर्चर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ओपनिंग छोटी होती जाती है। अपर्चर कैमरे में बहुत ही इंटेलिजेंट वे से काम करता है, जिसका यूज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो एक बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर लेंस का काम हो जाता है। अब कैमरे की प्रोसेसिंग शुरू होती है। लेंस से निकली हुई लाइट आगे पहुंचती है मेन मिरर के पास में। मेन मिरर 45 डिग्री के एंगल पर सेट रहता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो व्यू फाइंडर जिस भी ऑब्जेक्ट की हम फोटो लेते हैं उसको दिखाता है, लेकिन यह लेंस के सामने नहीं होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो मेन मिरर जो भी कैमरे के सामने ऑब्जेक्ट है उसको व्यू फाइंडर में दिखाने का काम करता है। मेन मिरर के ऊपर लगा रहता है पेंटा प्रिज्म, तो लाइट रे मेन मिरर से टकराने के बाद पेंटा प्रिज्म में इस तरीके से घूमकर व्यू फाइंडर तक पहुंचती है, जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। मेन मिरर के पीछे लगा रहता है शटर और इसके पीछे लगा रहता है इमेज सेंसर। जनरली शटर क्लोज रहता है और इसकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है। मेरे पास में जो कैमरा है इसमें शटर स्पीड मैक्सिमम 1/8000 तक जाती है, यानी 1 सेकंड के 8000वें हिस्से में ओपन होकर यह क्लोज हो जाता है। और इस शटर को इतना फास्ट वर्क करवाने के लिए इसकी एक अलग ही मोटर होती है। जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो मेन मिरर ऊपर हो जाता है और व्यू फाइंडर के व्यू को ब्लॉक कर देता है। तो जब हम पिक्चर लेते हैं तो थोड़े से टाइम के लिए आप देखना व्यू फाइंडर का एरिया ब्लॉक हो जाता है। अब लाइट रेज सीधी शटर के पास में जाती है। शटर के पास में दो कर्टेन्स होते हैं जो मल्टीपल लीव्स में डिवाइड रहते हैं। तो जब लाइट शटर के पास में पहुंचती है तो सबसे पहले नीचे का कर्टेन गिरता है और लाइट सीधे इमेज सेंसर तक पहुंचती है। शटर अपने डिसाइडेड टाइम तक खुलने के बाद में दूसरा कर्टेन ऊपर से आता है और इमेज सेंसर पर पहुंच रही लाइट को बंद कर देता है और दोनों शटर वापस ऊपर चले जाते हैं। शटर बंद होते ही मेन मिरर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। बस इतनी सी देर में ही इमेज सेंसर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देख लेता है और आगे की प्रोसेसिंग शुरू करता है। फोटो लेते समय हमें जो आवाज सुनाई देती है वह शटर और मिरर की ही होती है। इमेज सेंसर ही कैमरे का हार्ट होता है। आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सीमोस टेक्नोलॉजी इमेज सेंसर में काम में ली जाती है, जो कम पावर कंज्यूम करती है। यदि आपको सीमोस के बारे में पता हो तो इसकी फुल फॉर्म लिखकर इसके बारे में थोड़ा कमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हो। इमेज सेंसर को यदि करीब से देखे तो यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स दिखाई देते हैं जिनको पिक्सल बोलते हैं। यदि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इमेज सेंसर में 16 मिलियन पिक्सल यानी ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होंगे। इमेज सेंसर का हर पिक्सल एक फोटोडायोड होता है जो ठीक सोलर पैनल जैसे ही काम करता है। जैसे ही इस पर लाइट गिरती है इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और करंट का फ्लो होता है। इमेज सेंसर में 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर माइक्रो लेंस, उसके बाद में कलर फिल्टर एंड देन फोटोडायोड, जिसको हम पिक्सल भी बोलते हैं। अपन एक सिंगल पिक्सल की प्रोसेसिंग को समझते हैं।
सबसे पहले माइक्रो लेंस आता है जो लाइट को पिक्सल पर फोकस करने का काम करता है। यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि कैमरे के लिए तीन ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीन कलर को मिक्स करके ही कैमरा बहुत सारे कलर वेरिएंट बना लेता है। तो जब लाइट कलर फिल्टर तक पहुँचती है माइक्रो लेंस से होते हुए, तो कलर फिल्टर कलर के कॉम्बिनेशन से कलर को पहचान कर आगे पिक्सल तक पास करते हैं। पिक्सल एक लाइट सेंसिंग डिवाइस होता है जो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में बदल देता है। एक्चुअल में यह फोटोडायोड पीएन जंक्शन होता है, जब इस पर लाइट गिरती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करेंगे उतना ही करंट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। हर पिक्सल के ऊपर कैपेसिटर और एम्पलीफायर लगा रहता है। कैपेसिटर चार्ज को लॉस्ट नहीं होने देता और एम्पलीफायर चार्ज को एम्पलीफाई करके आगे भेजता है। सभी के सभी पिक्सल बसेस से जुड़े रहते हैं और अपने चार्ज को पैरेलली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास में भेजते हैं, कुछ इस तरीके से। एडीसी हर पिक्सल के करंट इंटेंसिटी से इन्फॉर्मेशन को 0 और 1 की फॉर्म में बदलता है और मेमोरी में स्टोर करता है। जब हर पिक्सल से चार्ज को कलेक्ट कर लिया जाता है तो इमेज सेंसर नेक्स्ट इमेज लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इमेज सेंसर से एडीसी के पास में सिर्फ करंट जाता है, तो करंट से कैसे पता चलता है कि फोटो में कौन से पिक्सल के पास में कौन सा कलर है? तो इसका आंसर है, बहुत सारे ऐसे कलर है जैसे ब्लैक लगभग लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ कलर कम लाइट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो इन कलर की वजह से किसी पिक्सल की ज्यादा लाइट फोटोडायोड के पास में पहुंचती है और किसी की कम लाइट पहुंचती है। अब जितनी लाइट होगी उतना ही उसके पास में चार्ज होगा और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिक्सल के चार्ज को ही देखता है कि इसके पास में कितना चार्ज है और इसी से वह कलर को डिसाइड करके इस एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदल देता है। आपको पता ही है कैमरा कितनी फास्ट फोटो क्लिक करता है। इस फोटो क्लिक होने के टाइम में मैंने आपको ऊपर जो प्रोसेस बताई है यह कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको कैमरे के अपर्चर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक वर्ड आपने सुना होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड। इसमें कैमरा कुछ एरिया पर फोकस करता है और बाकी के एरिया को ब्लर कर देता है। यह अपर्चर का ही कमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैमरे के सामने 3 आइटम रखे हुए हैं। यदि इस फोटो को हम क्लिक करते हैं अपर्चर 1.4 सेट करके, तो इस केस में ऑलमोस्ट लाइट कैमरे में एंटर कर जाएगी। सबसे पहले ग्रीन कलर का बॉक्स, इससे जो भी लाइट निकलती है उसका फोकल पॉइंट इमेज सेंसर पर ही बनेगा, जिसकी वजह से बॉक्स हमें एकदम साफ दिखाई देगा। मंकी को देखें तो ये काफी बड़ा है, जिसकी वजह से फोकल पॉइंट इमेज सेंसर से पहले ही बन जाएगा और फोकल पॉइंट पास करने के बाद लाइट काफी दूर में फैल जाएगी, तो यह इमेज ब्लर हो जाएगी, यानी इमेज सेंसर इसको आउट ऑफ फोकस समझेगा। यदि इस बॉल की बात करें तो यह छोटी होने की वजह से इसका फोकल पॉइंट इमेज सेंसर के बाद में बनेगा, जिसकी वजह से यह भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगी और ब्लर हो जाएगी। फाइनल इमेज का रिजल्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यदि अपर्चर 20 सेट करने के बाद में फोटो लेंगे तो अब की बार अपर्चर बहुत सारी लाइट को रोक देगा। यदि बॉक्स की लाइट को देखें तो इस थोड़े से एरिया से पास हो रही है, तो पहले के जैसे ही यहाँ पर फोकल पॉइंट इमेज सेंसर पर ही बनेगा, तो हमें क्लियर बॉक्स दिखाई देगा। मंकी के केस में जब थोड़ी सी लाइट आगे पहुंचेगी तो पिछली बार की तरह से अब की बार भी फोकल पॉइंट इमेज सेंसर से पहले ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर फोकल पॉइंट के पास होने के बाद में लाइट बहुत ज्यादा डाइवर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि अब अपर्चर ज्यादा लाइट को एंटर नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से इमेज सेंसर इसको भी फोकस में ही कंसिडर करेगा। सेम इसी तरीके से बॉल के साथ में होगा और अब की बार जो फाइनल इमेज होगी उसमें तीनों ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देंगे। इस तरीके से अपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड को डिसाइड करता है। फाइनली DSLR कैमरे की कंप्लीट वर्किंग मैंने आपको बता दी है, जो आपको एक DSLR की फोटोग्राफी में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। अब आप DSLR की फुल फॉर्म अपने हिसाब से डिस्कवर करके कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। ध्यान रहे, गूगल पर सर्च नहीं करना है, आपके सभी के कमेंट में डिफरेंस दिखना चाहिए। तो ऐसा बेहतरीन नॉलेज लेने के बाद आप ज्वाइन बटन क्लिक करके लाइव अड्डा के मेंबर बन सकते हो। इन वीडियोस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हो। एकदम बिंदास रहिए, आपके पैसे का यूज बेहतर नॉलेज के लिए ही किया जाएगा। थैंक यू।